हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रक मशीन पे। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, आपका संजीव भाई। तो भाई साहब, देर ना करते हुए इस ब्लॉग को करते हैं जैसे स्टार्ट। तो अभी सिस्सु पहुँचने वाले हैं, थोड़ा रह गया सिस्सु, शायद 5-7 किलोमीटर होगा। तो चलते हैं, फिलहाल सिस्सु करते हैं पार धीरे धीरे, तो निकलते हैं आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। 5 किलोमीटर रह गए भाई सिस्सु। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिखाते हैं फिर आज का नज़ारा आपको। चलो देखो, लगा हुआ काम यार, कहीं बारिशों की वजह से ना पसियाँ पुसियाँ आई हुई हैं रोड में, देख सकते हो वैसे वो पार लगी हुई है, वो प्लैंड भी। तो कर रहे हैं टिप्पर लोड करके इधर से नीचे नाले में डाल रहे हैं। तो वैसे इधर पहले पुराना कम घर भी होता था किसी का यार, टूटा हुआ है वो। देखो नीचे गाड़ी पड़ी हुई है, दिख रही होगी आपको, आर्मी गाड़ी पड़ी हुई है, बचा ही कुछ नहीं उसका, टोटल ख़त्म हो गई है यार। मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। तो भाई वहाँ पे नीचे पड़ी हुई है गाड़ी, गाड़ी पड़ी हुई है नीचे, टोटल ख़त्म हो गई। हाइट बहुत है यार, क्या बताएं आपको, इतनी हाइट है कि ऊपर हो रहा खाली भाई। बाकी ऐसा रहा इन पहाड़ियों का नज़ारा, कैसा मस्त व्यू आ रहा है भाई। अभी सुबह सुबह के टाइम मिल रहे, अभी सुबह समझ लो एक किस्म की, अभी 10 बजे हैं भाई। तो ऐसा नज़ारा, वो देखो पहाड़ चढ़ना कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार, चढ़ने की ड्यूटी। तो बाकी ऐसा रहा नज़ारा, अभी टिप्पर हो गया अनलोड, टिप्पर निकल रहा है इधर से आगे। तो धीरे धीरे करते हैं हम भी पूरी पार, चलते हैं फिलहाल आगे की ओर। तो बाकी चल रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा तो जाम जैसा लग गया यार, क्योंकि तो और सिंगल है ना, इधर देख सकते हो ऐसे पुली है, पूरी की पूरी टाइट है, सिंगल गाड़ी क्रॉस होती है इससे। अभी वो रहा झरना, ऊपर से दिखाता हूँ मैं यार झरने के सामने पहुँच के। तो चलता हूँ फिलहाल इधर से आगे, चलते हैं आगे, झरना दिखाता हूँ ऊपर से। भाई देख सकते हो आप झरना, ऐसा रहा व्यू झरने का। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो यार कितना मस्त लग रहा है यार। ऊपर पहाड़ी पे तो दिख ही नहीं रहा नाले वगैरह कुछ भी, देखो झरना कितना, कितनी हाइट है यार ऊपर से, इतना सर में आदमी के सर में पानी पड़े यार, आदमी वैसी थी नशे ही जो है ना जॉइंट बैठ जाए। तो चलो चलते हैं फिलहाल इधर से आगे। बाकी ये देख सकते हो आप इन पहाड़ियों पे कहाँ पे लोगों ने सब्जी वगैरह लगाई हुई है, पूरे का पूरा इतना मस्त व्यू है यार। ये देखो नीचे बोटिंग कर रहे हैं लोग, पूरा स्टाइल है यार। तो चलो चलते हैं फिलहाल आ गई, सिस्सु करते हैं पार, सिस्सु पार करने के बाद फिर चलते हैं आगे। सिस्सु थोड़ा ही रह गया भाई, सिस्सु पार कर लेते हैं तो उसके बाद करते हैं आपसे बात। सिस्सु रह गया 1 किलोमीटर। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं सिस्सु पार कर लेते हैं पहले, फिर ले गए फिर चलेंगे आगे, आएगा अटल टनल। तो अटल टनल का नज़ारा भी दिखाएंगे हम आपको, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ ब्लॉग। तो भाई देख सकते हैं यार, इस नाले का नाम है पागल नाला, ये कभी भी आ सकता है। पता नहीं ऊपर यार पहाड़ी पर बारिश भी नहीं होती है, पता नहीं कहाँ बादल फटते हैं या क्या होता है क्या नहीं, कोई समझ नहीं आती यार। सीधा सीधा देखो पूरा मलबा आ चुका है, रोड पूरी दब चुकी है नीचे। तो इतनी आपको पता ही है मेहनत करने के बाद इतनी मत्स्य के बाद जो है ना डेंजर रेड एरिए को करते हैं पार भाई, देख सकते हो आप। तो चलो क्या करना यार, ड्राइवर की लाखों जाम होते हैं, निगाहें नेक होती हैं फिर भी बदनाम होते हैं। चलो चल रहे हैं हम अपना सफ़र निकाल रहे हैं कंटिन्यू। तो आज पूरा दिन ड्राइव ही रही थी यार, तो चलो चलते हैं निकाल आगे, थोड़ा ही रह गया अटल टनल, फिर हम आपको दिखाते हैं अटल टनल का नज़ारा। तो इजी आप यू जाए भाई, यही टाइम है इंजॉय करने का, बाद में मत बोलना भाई आपने कुछ दिखाया नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, आ चुके हैं हम अटल टनल के पास। आप देख सकते हो इधर का व्यू, ये रहा ऐसा फुल मज़ेदार जो अटल टनल को अटैच करता है इस साइड वाली पहाड़ी को उस पहाड़ी के साथ।
ऐसा ही मजा है भाई। तो देखो उधर अभी टूरिस्ट आए हुए हैं, टिकम ब्रिज पास दिखाते हैं हम आपको, व्यू पॉइंट लवर पॉइंट जो भी है दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए आप इंजॉय कीजिए भाई। तो ऐसा नज़ारा रहा, देखो ये हर आदमी शूटिंग कर रहा है भाई, लगा हुआ है सब धीरे धीरे अपनी मस्ती में हो रहा है सब सिस्टम सेट धीरे धीरे। अभी हम पुल पे कर रहे हैं इंटर, देख सकते हो आप इधर का नज़ारा, मस्त व्यू है भाई। ये रहा पुल जो मैं कह रहा था, दोनों पहाड़ियों को आपस में जोड़ने वाला पुल, बहुत बलिदान निभा रहा है भाई अपना ये भी। तो बाकी ऐसा रहा अटल टनल का नज़ारा भाई, कीजिए एंजॉय, यही टाइम है। बाद में मत बोलना यार कोई अच्छा व्यू नहीं मिला, ठीक है नहीं। ऐसा नज़ारा रहा अटल टनल का, देख सकते हो कितने आए हुए हैं इधर, पूरा लवर पॉइंट है यार, पूरी पूरी काफ़ी मतलब की आई हुई जोड़ियाँ जोड़ियों की आई ना बोलते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही थोड़े कुछ बोलते हैं, मतलब लवर आपस में आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए। बाकी रहा ऐसा अंदर से अटक अंदर से नज़ारा भाई, ठीक है एंजॉय, इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग वगैरह हुई हुई है, देख सकते हो आप तो अभी दिखा हुआ है 40 की स्पीड में। चलो भाई अभी हम शुरू हुए ना 40 की, आगे जाने के बाद 60 की स्पीड दिखाएगा आपको, तो आ रही फोन में 60 की स्पीड आ जाएगी भाई। तो अपनी तो 40-50 की नॉर्मल चल रही है, क्योंकि इधर अभी लिखा हुआ है मोस्ट काफ़ी मतलब कि स्टॉप नहीं करना है, कंधे के अंदर कंटिन्यू ड्राइव करनी करनी है, ठीक है। तो ऐसा ही रहा सिस्टम, तो क्या बन जाए इसका नज़ारा अंदर से व्यू देखिए भाई, स्पीड लिमिट देख सकते हो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, इतना मीटर भी है इतना मीटर हुआ है, तो बहुत अच्छा शानदार है यार टनल का अंदर से। तो बाकी चल रहे हैं अभी ना आगे बहुत, देख सकते हो आप साल की भी है, तो क्या बन जाए नो एवरेज, ठीक है। तो बाकी चल रहे हैं आप टनल भी यार करते हैं, टनल देख रहे बाहर लोग करते हैं। धीरे धीरे लगे हुए सभी अपने अपने काम को, तो बाकी ऐसा रहा नज़ारा।
देख सकते हो आप पहाड़ी एरिया का, इधर पेड़ है, उधर बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ में, तो एंजॉय कर सकते हो भाई आप। ऐसा ही मस्त नजारा है भाई साहब जी। तो और ये एरिया आपको मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया भाई, बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन एरिया रहता है ये, तो इसकी वजह से ना हमें आराम से चलना पड़ता है, डाउन आराम से उतरना पड़ता है, आप चार नंबर में उतरते हैं ताकि, क्योंकि चक्के तो गर्म होते होते हो, साथ में कोई आस पास रोड पर कोई ओवरटेकिंग करता हो तो दिक्कत हो जाती है यार, गाड़ी रुकती नहीं है आस पास रोड पर। और बाकी यार न्यू रोड बना हुआ तो बैठ गया रोड पूरा, टंगे रुड़ गए यार, तो पसियाँ पड़ रही हैं यार, कोई समझ नहीं आ रही यार क्या हो रहा है। देख सकते हो आप नजारा, क्या मस्त व्यू है भाई साहब। Thank you.
माड़ी पलटी हो गई यार। एच पी 72 सी 99 67 स्पीड में थी गाड़ी भाई, स्पीड में पलटी हो गई है। कहते हैं ना भाई आराम से चलो, कोई आग तो लगी थी है जो बुझानी है आपको, जाके आगे आराम से चलो, 2 घंटे लेट हो जाएंगे ठीक है। इस चीज़ की सोच नहीं आती आपको कि किसी किसी की माँ बहन या कोई वेट कर रही, किसी की बहन वेट कर रही होगी, किसी की माँ घर में वेट कर रही, किसी की वाइफ वेट कर रही होगी, है इस चीज़ की शर्म नहीं आती आप लोगों को। देखो इधर कार वाले ने शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है ना, वो तो इनको इन्होंने बेच के पकौड़े खा लिए शर्म को ठीक है। इनको ये थोड़ा ना पता कि आगे की जिंदगी की क्या वैल्यू है ना जी, बस इनको यही पता है बस कि गाड़ी पे बैठे हैं, ड्राइवर सीट पे तो भुगानी है बस, ना ही चलो जितनी भागती है, मैंने पता आगे वाला मोड़ क्रॉस होगा भी नहीं होगा। चलो छोड़ो यार ऐसे जानवर लोगों को चलने के मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। अभी भाई मनाली वाले मोड़ उतर लिए नीचे, तो चल रहे हैं मनाली, रह गया थोड़ा ही भाई, अभी पहुँचे हम मंदिर के पास, भोलेनाथ का टेंपल है, हनुमान मंदिर, हनुमान टेंपल है, हनुमान टेंपल भाई कीजिए जाए मंदिर दे रहा है। मंदिर पीछे रेड कलर का इधर भी बनाया हुआ तो है, हम चल ही रहे हैं भाई मंदिर में भाई, तो चलते हैं फिलहाल आगे करते हैं मनाली पार, तो मनाली पार कर लेते हैं भाई, तो उसके बाद यार भूख भी लग रही है, कुछ बनाने खाने का भी सोचे, तो चल दो फिलहाल करते हैं मनाली पार, तो उसके बाद फाइनली भाई साहब मनाली पार करने के बाद अभी आगे आगे रुके हुए हैं यार, गाड़ी लगाई पीछे एक वो लगी हुई है, होटल में खाएंगे खाना वगैरह, तो यार मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट भी नहीं किया यार, कुछ खा लें, भूख लगी है बहुत ज़बरदस्त। तो बाकी पहाड़ी का एरिया दिखाता हूँ मैं आपको, देखो पीछे कितनी ज़बरदस्त सीनरी आ रही है यार, कैसा मस्त व्यू लग रहा है। तो चलो पहले खा लेते हैं कुछ, तो उसके बाद निकलते हैं इधर से आगे, जब तो फिर करते हैं। मस्त व्यू लग रहा है भाई, कैसा शानदार यार व्यू है देखने को मिल रहा है, तो कीजिए आप एंजॉय। चलो कुछ खा लेते हैं पहले होटल पे, तो उसके बाद करते हैं आपसे बात। ये रहे हमारे साथ भाई साहब, भाई साहब की हाल है, बड़ा बढ़िया बढ़िया, मतलब ठीक हो? अच्छा कैम कैम के होया वो, ये पहली बार सुने हमें, क्यों होता है कैम? तो बाकी चलो जब निकलते हैं इधर से आगे, तो फिर करते हैं आपसे बात। खाना खुना खाने के बाद चल गए आगे, आगे हैं तो अभी आगे का सफर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलते हैं फिलहाल कलकर वगैरह करते हैं धीरे धीरे पार, उसके बाद देखेंगे कोई गुंजाइश रहेगी तो नहाएंगे, नहा दोगे कपड़े कुपड़े दोगे फ्रेश होंगे, तो फिर देखते हैं कैसे। चलो फिलहाल चलते हैं आगे ही, सफर निकालते हैं उसके बाद देखते हैं जब पहुँचेंगे वहाँ, तो चलते हैं फिलहाल आगे कर रहे हैं। ओ भाई साहब फाइनली कुल्लू पार करके आगे, भुंतर भी पार कर दिया, भुंतर बाईपास चल रहे हैं, तो ऐसा रहना सारा इधर का, कैसा मस्त व्यू है यार। बाकी चल रहे हैं हम अपना सफर निकाल रहे हैं कंटिन्यू धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे करते हैं मंडी पार, तो उसके बाद देखते हैं क्या सिस्टम है आगे का। तो चलो चलते हैं फिलहाल आगे ही, तो मंडी पार करने के बाद ही करते हैं उसके बाद। चलो चलो भाई टंडर 2 किलोमीटर वाला, 2.5 किलोमीटर का ना
अभी चल रहे हैं आगे साथ साथ, अभी सीधा जाएगा अपन वो डैम पे, वो डैम पे दिखा देंगे हम ब्लॉग में, दिखाएंगे दूसरी बार। आपने वीडियो मिस की हो और इस बार आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो मैं बार बार दिखाता हूँ भाई, एक आदमी एक आधी वीडियो मिस कर भी दे दो ताकि आदमी को कोई परेशानी की सावा ना हो कि मैंने वीडियो मिस की। कभी कभी मैं फिर वापस दिखा देता हूँ, और चलो इस बार दिखाएंगे आप वहाँ कुंडो डैम भाई। चलते आगे, फिलहाल करते हैं मंडी पार।
तो भाई फिलहाल इधर लगा हुआ है जाम। पंडोप पार करने के बाद आगे आगे सिंगल रोड भी, इधर पस्सी भी चलती है ना, पता नहीं पस्सी आई हुई है या क्या चक्कर है, साफ कर रहे हैं पस्सी, पता नहीं कोई समझ नहीं आ रही। तो जाम लगा हुआ अभी आधा घंटा हो गया इधर खड़े ही। तो चलो जब इधर से निकलते हैं आगे तो फिर हमारी तरफ से हो चुका है यार, गाड़ियाँ चली हैं और फिर लग गया यार, क्या बताऊँ यार, क्या बताऊँ, इतनी गर्मी लग रही है ना। टाइम से तो कुछ मैं आपको देखो शर्ट खोल के पहन दी पीछे, तो आगे जाके धोएंगे ये कपड़े पतले कपड़े लगाएंगे, क्योंकि थोड़ी हवा जो है ना इसको हम ऐसे क्रॉस होती रहे और गर्मी हमें बहुत कम लगे यार। बाकी जाम तो लगा हुआ है छोटा छोटा, आगे से भी आ रही है, इधर से भी जा रही है, साथ ही साथ में चल रहा है हमारे दरिया जो नीचे से पानी चल रहा है हर बार। आगे से बस आ गई जर्मनी की पा, तो अभी हम चल रहे हैं कंटिन्यू। तो चलो फिलहाल जाम जूम वाला, जाम जूम वाला जो लफड़ा ना वो निकाल लेते हैं, मतलब कट लेने जाम वाला आ, तो उसके बाद निकल के अगे फिर करते हैं आपके साथ गल, फिर उसके बाद हम आपसे करते हैं बात, फिर निकाल लेते हैं जाम। फाइनली भाई साहब पहुंच चुके हैं मंडी, ये रहा अंदर मंडी बस स्टैंड, ये तो आपने देखा ही होगा इतनी पब्लिक खड़ी है बस स्टैंड में, पूरी बसें लगी हुई, बसों से भरा हुआ है। तो बाकी हम मंडी पहुँच चुके हैं, फिलहाल चल रहे हैं आगे की और धीरे धीरे निकाल रहे हैं अपना सफ़र। तो चलो चलते हैं फिलहाल नेहर चौक वगैरह पार कर ले, कलखर पार कर लेते हैं, कलखर चल लेते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या फिलहाल आ गए। पहुँचे थे यार, नहाते धोते टाइम हो गया, काफ़ी कपड़े वगैरह धोए नहाए, तो फिर उसके बाद निकले हैं अभी आगे से आगे के लिए। तो चलते हैं फिलहाल आ गई, तो निकालते हैं अपना सफ़र थोड़ा, तो उसके बाद आगे चल के करते हैं आपसे बात। तो जाऊँ तो पार कर लिया हमने, आगे का सफ़र निकालते हैं, चले फिर आगे। फाइनली भाई साहब अभी पहुंच चुके हैं ये बरसड़, तो अभी इधर ही खाना खुना खाएंगे, तो अभी इधर ही करेंगे रेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी करते हैं गुड नाइट सुबह। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो भाई बरसड़ से निकले थे 5 बजे, 5:10 पे, तो बाकी चल रहे हैं अपना सफ़र निकाल रहे हैं सुबह सुबह ही। मेरे हिसाब से ऊना रह गया इधर 50 किलोमीटर होगा शायद, तो चलो चलते हैं फिलहाल ऊना करते हैं पार, तो उसके बाद करते हैं सुबह। तो भाई साहब फिलहाल ऊना कर दिया पार हमने, ऊना पार करते हुए घर के आगे आगे होटल पे पी चाय पी के चल रहे हैं आगे का सफर निकाल रहे हैं कंटिन्यू। पीछे आ रहे हैं हमारा धमाका, तो आका धमाका नहीं आका, तो बाकी हम चल रहे हैं फिलहाल अपना सफ़र कर रहे हैं अनजाय, तो अपना अनजाय करते हुए सफ़र निकलते हुए आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए जलंधर की तरफ। तो चलते हैं भाई आगे ही, फिलहाल करते हैं हुशियारपुर पार, तो फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब है यार, हुशियारपुर पार कर लेना भाई। तो चलो चलते हैं फिलहाल आगे हुशियारपुर करते हैं फिलहाल पार, उसके बाद करते हैं आपसे पार। भाई साहब हुशियारपुर बाईपास पे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भाई जलंधर की तरफ, तो बढ़ गए रहे हैं, मतलब पहुंच जाएंगे ना यार, आप ही खुद समझ लिया करो थोड़ा बहुत यार, मैं तो पागल हो गया हूँ गर्मी में ठंडे इलाके से आया हूँ, आप क्यों पागल हो रहे हो मेरे पीछे, ठीक है नहीं। तो बात कुछ ऐसे है भाई कि और 2 घंटे तक, मतलब 2.5 घंटे तक पहुँच जाएंगे हम जलंधर, फिर लगाएंगे पहुँच, तो तब तक थोड़ा ज़्यादा गाड़ी का काम भी करवाना, वो भी करवा लूँगा जे वो। तो चलते हैं फिलहाल जलंधर ही, जलंधर पहुँचते हैं तो फिर उधर ही पहुँच के करते हैं आपसे बात। तो आप कीजिए एंजॉय, तब तक थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको इधर का, क्योंकि बाईपास का ही व्यू है सबसे खतरनाक, बाकी जो है ना कोई अच्छा नहीं है, आगे का भी अच्छा नहीं मिलेगा आपको, पीछे का भी इधर का अच्छा नहीं था। तो चलो फिलहाल कीजिए आप एंजॉय पूरे बेसब्री से भाई, यही टाइम है एंजॉय करने का, ऊपर से वो भी सुबह सुबह का। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं पहुंचते हैं फिलहाल जलंधर, तो जलंधर पहुंच के करते हैं आपसे बात, क्योंकि सुबह सुबह टाइम ना ऑफिस टाइम होता है तो रश वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है रोड पे, स्कूल टाइम हो गया, ऑफिस टाइम हो गया, शाम को छुट्टी का टाइम हो गया,
थोड़ा सा ज़्यादा रश रहता है, तो या फिर शाम को 5-7 बजे के करीब जो सभी लोग मार्केट जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए, उस टाइम भी रश थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्यों भाई साहब, ऐसा ही है? सही बात है। यू आर अंडर राइट, अंडर राइट ही अंडर राइट है। तो ठीक है भाई, चलते हैं फिलहाल जलंधर ही, फिर उसके बाद करते हैं आपसे बात। पहुँचते फिलहाल भाई साहब आ चुके हैं, पहुँच गए हुशियारपुर चौक में। अभी थोड़ा काम वाम करवाना है गाड़ी का, वेल्डिंग का, अभी तो आया नहीं दुकान वाला, जब आएगा तो फिर देखते हैं करते हैं यहीं पर देख। पूरा करवाने के बाद ओके, उसके बाद टायर लिए, तो आपको पता ही पहले टायर दूसरे थे तो अपने उतारे, रबड़ के लिए दिए, ये एक चक्कर लगाना इन पर टायरों पर, उसके बाद ये आगे उतार देने हैं, वापस अपने वाले लगाने हैं यार। इन टायरों में पैच लगा हुआ, अपने साफ टायर हैं यार, अपने लगाएंगे। तो चलो भाई साहब, फिलहाल तो डिपो आज बंद है, आ जाए 15 अगस्त। सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। तो इंजॉय कीजिए भाई आज का दिन अपने देश के नाम पर। तो चलो आज तो फिलहाल डिपो बंद ही है भाई, तो कल ही खुलेगा डिपो। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को देर ना करते, इस यहीं पे करते हैं, एंड इसे करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो भाई का सपोर्ट बनाए रखो धीरे धीरे भाई, तो हम भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। देखो भाई 15 अगस्त झंडे लगाए हुए ऑटो पे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे है ना तो नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।